मौलाना तारिक जमील साहब बहुत बड़े हैं यार, उन्होंने इस तरह मतलब वो गए और उन्होंने माफी मांग ली। मुझे किसी को थोड़ी जस्टिफाई करना है कि यार मैंने ये बोल दिया और हामिद मीर कल खड़ा हो जाए मुझसे माफी मांगो। दफा हो यार, शेम। हामिद मीर शुड बी अशेम्ड ऑफ व्हाट ही हैज डन एंड ही थॉट दैट ही वाज डूइंग इट फॉर द राइट। जमील साहब की बात की जाए, मौलाना तारिक जमील साहब हमारे लिए, आपका ताल्लुक किसी भी फिक्के से हो, आप किसी भी माशरे में किसी भी मजहब से आपका ताल्लुक हो, हमारा मकसद हमेशा ये होता है कि किसी भी स्कॉलर की आगे से जवाब दराजी ना की जाए और बात करने का एक तरीका होता है। और जो लोग सुबह शाम तनकीद करते हैं, अगर जैसे मैं हर एक पे तनकीद करता हूँ, अगर मैं हर एक से कह रहा होता हूँ कि जी मैं आपके बारे में ये बोल सकता हूँ या मैं आपके बारे में ऐसी बात करता हूँ, तो मुझ में भी ये सलाहियत और ये बर्दाश्त होनी चाहिए कि मैं दूसरे का जवाब सुन सकूं। मैं फिर आपसे अर्ज कर रहा हूं, आज हमारा मौजू ये है कि किसने हक दिया ये मीडिया माफिया को जवाब दराजी करने का? क्या बोला था तारिक जमील साहब ने? ऐसा मेरा दिल करता है कि मैं दुआ करूं कि या अल्लाह लिफाफे लेने वाले सब सहाफी कुत्ते की मौत मर जाएं, तो मैं सोचता हूं बचेंगे कितने। और फिर शायद ऐसी ऐसी दुआ, अगर खुदा न खास्ता मैं कभी किसी को बददुआ नहीं देता, ऐसी बददुआ कबूल हो गई तो मैं, हमारे पास जो बाकी तादाद बचेगी हम उनका क्या करेंगे?